उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की सक्रियता की ये दो तस्वीरें हैं। एक और संकल्प पत्र में मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एंटी रोमियो दल के गठन की और दूसरी ओर थानों की सूरत सुधारने के लिए साफ सफाई करते पुलिस कर्मियों की। एंटी रोमियो दल पर तुरंत कार्रवाई शुरू हुई और पूरे यूपी में पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। परेशानी झेलने वाले इसे सही करार दे रहे हैं। जो टीम बनाई हुई है उससे लड़कियों को फायदा होगा। हम अब अच्छा महसूस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के आने से। हम कॉलेज जाते थे तो छेड़छाड़ कमेंट्स हर कोई करता था, इससे हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। यही नहीं, मंचलों के खिलाफ अभियान के दौरान कुछ लोगों के कानून हाथ में लेने की घटनाओं को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी गंभीरता से लिया है। मॉरल पुलिसिंग के नाम पर लोगों को तंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे बच्चों को बच्चियों को परेशान नहीं किया जाएगा जिनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कोई अगर कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ, किसी बहन के साथ छेड़छाड़ की भावना से कोई शरारत करेगा तो अब यूपी में उसके लिए अच्छे दिन नहीं है। उधर स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस थानों की सूरत भी सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य के हर थाने, चौकी और पुलिस लाइन्स में हर शुक्रवार को सफाई अभियान चलेगा। पुलिस वाले ही थाने चौकियों की सफाई करेंगे और ये तस्वीरें इसी की एक बानगी है। योगी सरकार एक्शन में है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, लेकिन इस एक्शन के दौरान होने वाली ज्यादतियों को लेकर भी सरकार चौकन्नी दिखी और अंकुश बरतने की भी चेतावनी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।